What is up everybody, welcome to the brand new episode of my YouTube channel. आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले thank you all of you for your lovely support. मैंने recently अपनी एक travel video की थी जिस पर आपने बहुत ज़्यादा support दिखाया and I am so blessed. हमारी family grow कर रही है और उस video पे almost 10,000 plus views हो चुके हैं आप सभी के support की वजह से. 10,000 कोई ज़्यादा number तो नहीं है लेकिन यस, ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारी फैमिली ग्रो हो रही है. और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू मेक योर ट्रैवल वीडियोस मोर प्रोफेशनल. सो डिस्कस कर लेते हैं अपनी वो इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको दिमाग में रखनी चाहिए व्हेन यू आर शूटिंग अ ट्रैवल वीडियो. सो जब भी आप एक ट्रैवल वीडियो शूट कर रहे हैं आपको सबसे पहले करनी होती है प्री प्लानिंग. और आई एम ह्यूज फैन ऑफ प्री प्लानिंग. प्री प्लानिंग करने से बहुत टाइम हमारा ऑन शूट बचता है. हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं जो हमें काम करना है. वैसे ट्रैवल वीडियो बनाने से पहले हमें एक स्टोरी माइंड में रखनी चाहिए ये कि हम उस ट्रैवल वीडियो के थ्रू क्या कुछ दिखाना चाहते हैं ताकि हमें पता रहे किस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमें कैसे शॉर्ट्स निकालने हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि यार हमारी कोई स्टोरी लाइन फिक्स नहीं होती और हम एडिटिंग के टाइम पर स्टोरी क्रिएट करते हैं, मतलब एक टाइमलाइन लगा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्टिंग और एंडिंग शूट करते हैं. जैसा कि मैंने अपने राजस्थान वाले ट्रैवल वीडियो में शूट किया, हमारा कुछ भी प्लान फिक्स नहीं था. जिस भी जगह पर आप जा रहे हैं उस जगह के बारे में आपको पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए कि आप किस टाइम पर क्या शॉट्स वहाँ पर ले सकते हो. आप जाने से पहले एक टाइम टेबल बनाइए कि सुबह हमें 6 बजे उठना है, फिर आपको किसी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए मान लो 4 घंटे लग रहे हैं तो वहाँ पे आपका टाइम लगेगा और 4 घंटे के बाद आप वहाँ पहुँचोगे तो क्या टाइम होगा. तो इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है. आप एक प्लान बनाइए उस चीज़ का कि आप मिनिमम 5 डेज के लिए वहाँ पे रुकना चाहते हैं. तो आप फर्स्ट डे जहाँ भी जा रहे हो वहाँ जाओ, रुको और एक्सप्लोर करो उस जगह को और देखो वहाँ पे क्या कुछ बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए जो आप शूट कर सकते हो वहाँ पर. हमारे पास सच बताऊँ तो थोड़ी टाइम की शॉर्टेज थी तो हमने ज़्यादा टाइम नहीं दिया एनालाइज करने पे. उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कमी रह गई वीडियो में जो कि हम नेक्स्ट ट्रैवल वीडियो में पक्का इंप्रूव करेंगे. लेकिन अगर आप जा रहे हैं कोई ट्रैवल वीडियो बनाने और आपने ये वीडियो देख लिया तो प्लीज़ ये चीज़ दिमाग में रखना कि आपको एक दिन प्लीज़ दे दो. एक दिन थोड़ा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक दिन का ही तो बढ़ेगा, लेकिन उससे आपकी जो चीज़ है वो बहुत अच्छी निकल के आएगी. तो बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट के ऊपर विद शूटिंग. तो जितना भी हमारा ये ट्रैवल वीडियो शूट हुआ है वो सोनी अल्फा A7S III से हुआ है, विच इज़ माई फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट कैमरा. उनसे मैं म्यूजिक वीडियोस वगैरह भी बहुत शूट करता हूँ. अब हमने प्री प्लानिंग में अपने शॉट तो फाइनल कर रखे थे कि हमने शूटिंग कहाँ पे करनी है और किस टाइम पर करनी है, लेकिन शूटिंग के टाइम पर हमें एंगल्स वगैरह वो हमें शूटिंग के टाइम पर ही क्विक बनाने पड़ते हैं. मेरी मेन प्रो टिप रहेगी जब आप शूट कर रहे हैं हमेशा अपनी ट्रिप के वक्त अपना कैमरा अपने हाथ में रखो और ऑन रखो, स्टैंड बाय मोड में रखो और ऑलवेज कैरी सम एक्स्ट्रा बैटरी. जितना भी हमने ये सारा कुछ शूट किया वो एंटायर डे लाइट में शूट किया और जो भी नेचुरल लाइटिंग थी हमने उसी में शूट किया, हमने कोई फेक लाइट्स यूज़ नहीं करी. और हाँ, शूटिंग के टाइम पे आप अलग अलग एंगल्स ट्राई कीजिए अलग अलग लोकेशन से. शूट करते हुए एक शॉट को हमेशा कोशिश करो कि एटलीस्ट 2 से 3 एंगल्स में ज़रूर लो जिससे आपको एक वेरिएशन मिलेगी जब आप एडिटिंग करने बैठोगे. जितनी वेरिएशन होती है वीडियो में उतनी अपनी ट्रैवल वीडियो निकल के आती है और बढ़िया लगती है. और हमने इस ट्रैवल वीडियो में एक ड्रोन भी यूज़ किया है विच इज़ Mavic Pro 2. ड्रोन से यार एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिखता है. ड्रोन आपको यूज़ करना चाहिए इफ़ यू हैव अ ड्रोन. बाकी मैंने अपना ये एक्शन कैमरा भी यूज़ किया था लेकिन एक्शन कैमरा की फुटेजेस मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करी, बस एक दो जगह लगाई है. तो बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर जो कि आपको दिमाग में रखना चाहिए व्हेन आवर यू शूटिंग अ ट्रैवल वीडियो. एडिटिंग के टाइम हमारा वर्क फ्लो बहुत ईजी हो जाता है अगर हमारी कोई स्टोरी डिसाइडेड हो. बट प्री प्लानिंग के टाइम पे हमने कुछ भी ये डिसाइड नहीं किया था कि हम स्टोरी क्या रखेंगे अपने ट्रैवल वीडियो में. ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी जिसने हमारा बहुत टाइम वेस्ट करवाया कि अब क्या शूट करें, अब कैसे शूट करें. हमने शूट करते हुए रैंडम शूट किया, हमने बिल्कुल रैंडम शूट किया था. क्या भाई साहब, कपड़े बिल्कुल खराब हो चुके हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करते करते, लेकिन हमें एक वाइब पता थी कि हम उस स्टोरी की क्या फील रखने वाले हैं, क्या कुछ रखने वाले हैं. एडिटिंग के वक्त अगर आपकी स्टोरी लाइन फिक्स है तो आपका ऑलमोस्ट 50% काम डन हो चुका है. उसके बाद हम आते हैं कलर ग्रेडिंग के. एडिटिंग के टाइम पर कलर ग्रेडिंग बहुत मैटर करती है आपके मूड को डिस्क्राइब करने में, स्पेशली इन ट्रेवल वीडियो.
कलर ग्रेडिंग आपको बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल लाइट, मतलब जैसा भी आपका सीन है आप उसके अकॉर्डिंग कलर ग्रेडिंग कीजिए, क्योंकि कलर ग्रेडिंग का बहुत तगड़ा रोल होता है जब भी आप एक फिल्म शूट कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी शूट कर रहे हैं, तो कलर ग्रेड आपके मूड को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो आप मेक श्योर कलर ग्रेड पर बहुत अच्छा फोकस रखें, इट विल गिव यू अ लेवल अप। अब बात कर लेते हैं एडिटिंग पे, ट्रांजिशंस एंड VFX। मेक श्योर आप ट्रांजिशंस आपके स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग ही डालें, फालतू के इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस ना डालें, उससे आपकी ट्रैवल वीडियो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है ओवर एडिटेड है, उससे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। एडिटिंग करते वक्त आप ट्रांजिशंस वही डालिए जो आपके स्टोरी लाइन में फिट बैठ रहे हो, और थोड़ा बहुत आप VFX का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया था ये आई ब्लिंक इफेक्ट, एंड आप यहाँ स्काई रिप्लेसमेंट्स वगैरह में उसको कर सकते हैं, और यहाँ पर जैसे मैंने ये क्लीन अप किया है इसमें आप एक VFX का यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ VFX। अगर आपका शॉट गंदा है आपको ऐसे क्लीन अप करके बिल्कुल अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि एक ट्रैवल वीडियो में हमने लोकेशन हायर नहीं कर रखी, वो जस्ट एक पब्लिक प्लेस है और हम वहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं कह सकते थे, तो ये चीज़ें हमने पोस्ट प्रोडक्शन में आपने ठीक करी। सो अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर मेकिंग अ ट्रैवल वीडियो, विच इज साउंड डिज़ाइन। साउंड डिज़ाइन, जितने हमारे विजुअल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए उतना हमारा साउंड डिज़ाइन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साउंड डिज़ाइन ना एक वीडियो में यार एक जान डाल देता है, मतलब ना एक अलग ही फील आती है देखने वाले को, एक विजन मिलता है। तो बेसिकली आपकी स्टोरी की क्लैरिटी बढ़ जाती है जब आप एक अच्छा साउंड डिज़ाइन भी अपनी वीडियो में डालते हैं। सो आप साउंड डिज़ाइन पे मेक श्योर करें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, बैकग्राउंड म्यूजिक को चूज करने के लिए भी आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि जो म्यूज़िक होता है ना वो आपकी स्टोरी को डिस्क्राइब करने में आपकी मदद करता है। और मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ ना, जितना मतलब 50% मैं वीडियो को मानता हूँ और 50% साउंड डिज़ाइन को मानता हूँ। सो जब भी आप अपने ट्रेवल वीडियो के लिए एक बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढ रहे हैं, आप सर्च करो, बहुत ज़्यादा सर्च करो, जितने सैंपल्स आप कलेक्ट कर सकते हो आप उतने सैंपल्स कलेक्ट करो, ताकि आपको ना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट म्यूजिक मिले। सो ये कुछ थी बेसिक टिप्स, आई होप आपको ये वीडियो देखकर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। एट लास्ट मैं बताना चाहूँगा कि ट्रैवल वीडियो यार एक टीम वर्क है, और मेरे साथ भी मेरा वन ऑफ माई फ्रेंड पृथ्वी हुज अ वेरी ग्रेट DOP, ग्रेट कैमरामैन, उसके भी बहुत एफर्ट्स है इस वीडियो को बनाने में जितने मेरे एफर्ट्स हैं। सो बिग शाउट आउट टू हिम, यू कैन चेक हिज इंस्टाग्राम, आई विल मेंशन बिलो, और यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट फिल्म मेकिंग, एंड ही इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल DOP। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ताकि आने वाले टाइम में जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपको पता लग जाए सबसे पहले। अगर आपको ऐसी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके, मैं लाता रहूँगा ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम व्लॉग्स के साथ साथ। और जैसे जैसे ये सिनेरियो ठीक होता है हम अपनी व्लॉगिंग दोबारा करेंगे, और हाँ जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ तो हम एक और ट्रैवल वीडियो की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपने इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया तो क्यों ना और भी चीज़ें बनाई जाए और भी चीज़ें क्रिएट की जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे क्रिएटिव।